मैंने यहाँ पे दो टमाटर लिए हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और एक बैंगन लिया है। एक्चुअली वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने बैंगन को सेकने रख दिया था, इस वजह से इसमें ऐसी लाइनिंग्स हो गई हैं, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें। यहाँ पे आप देखेंगे मैं लहसुन को इस तरीके से बैंगन में चीरा लगा के लहसुन अंदर डाल रही हूँ। ये आप स्टेप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इस तरीके से लहसुन अंदर डाल के बैंगन को सेकने से जो चोखा हम बनाएंगे, जो बैंगन का भरता बनाते हैं, उसका फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है। इस तरीके से मैं टमाटर के अंदर भी चीरा लगा के लहसुन को डाल दूंगी और टमाटर और बैंगन को मैं गैस के ऊपर सेकूंगी। बैंगन और टमाटर को मैं अब गैस पे रखूंगी और हम इसे लो फ्लेम के ऊपर सेकेंगे। बीच बीच में हम इनको टर्न करते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए गोलाई में पूरी। दस से 15 मिनट बाद आप देखेंगे बैंगन लगभग हमारा सिक चुका है, टमाटर भी यहाँ हमारे सिक चुके हैं। जैसे ही टमाटर सिक जाएंगे हम उनको गैस से हटा लेंगे और उनको हम पील करेंगे। बैंगन को हम थोड़ा सा और सिकने देंगे। जब तक बैंगन पूरा अच्छे से अंदर तक सिक जाता है तब तक हम टमाटर को पील करेंगे। यहाँ आप देखेंगे बैंगन भी लगभग सिक चुका है मेरा। टमाटर को इस तरीके से मैं इसके छिलके उतार के पील करूँगी। छिलका हमें पूरा नहीं हटाना है, हल्का हल्का सा ब्लैक पोर्शन हम छिलके का रहने देंगे। टमाटर और बैंगन में जो सिका हुआ काला पोर्शन है ऊपर का, जो ऊपर की लेयर है काली, वो हम पूरी नहीं हटाएंगे। थोड़ी बहुत हम टमाटर में रहने देंगे और थोड़ी बहुत हम बैंगन में भी रहने देंगे। ब्लैक लेयर को हम पूरा नहीं हटाएंगे, थोड़ा बहुत सब्जी में लगे रहने देंगे। ये हमारे चोखे के फ्लेवर को और दोगुना करेगी, इसलिए आप जब छिलका हटाए तब हल्का हल्का बैंगन में भी रहने दीजिए और टमाटर में भी रहने दीजिए। आप देखेंगे छिलका हटाने के बाद में मैंने टमाटर को हाथों से थोड़ा मैश किया है। अभी ये काफ़ी गर्म है इसलिए मैं ज़्यादा मैश नहीं कर पा रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से मैं इसको मैश करके थोड़ा ठंडा होने दूंगी जब तक हम बैंगन को पील करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बैंगन के मैं छिलके उतार रही हूँ और हल्का हल्का इसमें भी मैं जो ब्लैक पोर्शन है वो रहने दूंगी। बैंगन को भी मैंने छील लिया है, इसे हल्का सा हाथों से इस तरीके से फैला के थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा जब ही हो जाएगा तब हम इसे हाथों से मैश करेंगे। टमाटर यहाँ पर हमारा ठंडा हो चुका है, इस तरीके से हाथों से हम इनको मैश करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें टमाटर के पीसेस रह रहे हैं ज़्यादा बड़े, तो आप इसको किसनी से किस लीजिए, ग्रेट कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको हाथों से मैश कर लीजिए। टमाटर मैश हो चुका है मेरा, अब हम बैंगन को मैश करेंगे। आप देखेंगे इस तरीके से हाथों से मैं बैंगन को मैश कर रही हूँ। लहसुन जो मैश हो जाएगा हाथ से हम उसे हाथ से करेंगे, अदरवाइज़ जो हाथ से मैश नहीं होगा हम उसे इस तरीके से किस लेंगे। इस तरीके से जितने भी लहसुन हैं जो हाथ से मैश नहीं हो रहे हम उसे किसेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर बैंगन अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे और बैंगन का चोखा रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे एक अनियन चॉप करके रखा हुआ है, 3-4 लहसुन की कलियाँ चॉप करी है, अदरक किसा हुआ है और कुछ हरी मिर्च काट के रखी है। चॉप के अलावा प्याज यहाँ पे मैं बैंगन के चोखे के अंदर ऐड करूँगी। कुछ हरी मिर्च मैं इसके अंदर चॉप करी हुई ऐड करूँगी और थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ ऐड करूँगी। ये सब डालने के बाद में हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डालें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम किया है। 1 टेबलस्पून सरसों का तेल इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और अच्छे से मैं मसाले को मिक्स करूँगी। आप अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लीजिए हाथ से मैश करके। और यहाँ पे आप देखेंगे बैंगन का चोखा हमारा रेडी हो चुका है। टमाटर का चोखा बनाने के लिए अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल गरम किया है, उसमें मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं कटी हुई, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। तेल गरम होने के बाद में टमाटर के चोखे के अंदर मैं ये ऐड करूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी।
ये आप देखेंगे टमाटर का चोखा हमारा रेडी हो गया है। हमने टमाटर का चोखा रेडी कर लिया, बैंगन का चोखा रेडी कर लिया। अब हम आटा लगाएंगे। यहाँ पे मैं 2 कप आटा लूँगी। इसके अंदर मैं 1 चुटकी भर नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच तेल ऐड करूँगी। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं उस तरीके से यहाँ पे मैंने नॉर्मल रोटी के आटा लगा लिया है। अब हम सत्तू की फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप सत्तू लिया है मेजरमेंट कप के हिसाब से। सत्तू यहाँ पे देखिए मैंने कैसे बनाया है। ये हमारे चने हैं, इनको सेकने के बाद में आप इनका फाइन पाउडर बना ले, सत्तू का आटा आपका रेडी हो जाएगा। आप छिलके के साथ में भी इनको सेक के पाउडर बना सकती है, बिना छिलके के भी बना सकती है। यहाँ आप देखेंगे मैंने हरी मिर्च और अदरक को किसके रखा है। मैं इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक ऐड कर दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन में इस तरीके से हाथों से क्रश करते हुए डालूंगी। 1 टेबल स्पून के अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर जीरा ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नींबू का रस ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सरसों का तेल ऐड करूंगी। सरसों का तेल हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, प्रॉपर मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। और हम इसके अंदर एक और बार मसाला ऐड करेंगे। हम मसाला इसमें 2 पार्ट्स में ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसके अंदर वापस 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार आप स्पून से इसे प्रॉपर मिक्स कर लीजिए, फिर आप अपने हाथों से इस तरीके से मिक्स करिए ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना रह जाए और पाउडर अच्छे से पूरा रेडी हो जाए। आप देखेंगे इस तरीके से मिक्स करने के बाद में आप सत्तू के आटे को हाथ में लीजिए और हाथ में लेके आप इसे मुट्ठी में लेके दबा के देखिए। आप आटे को हाथ में लेके देखिए, अगर इस तरीके से वो बाइंड हो रहा है इसका मतलब ये है आपकी सत्तू की फिलिंग रेडी है। अब हम लिट्टी बना सकते हैं। लिट्टी बनाने के लिए आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 1 लोया लिया है नॉर्मल रोटी के साइज़ का, लेकिन हम इसे पूड़ी जितना ही बेलेंगे। आप देखेंगे नॉर्मल हम जितनी पूड़ी फ्राई करते हैं उतना मैं इसको बेलूँगी। उतना बेलने के बाद में हम इसको इस तरीके से हाथ में लेंगे और उसमें करीबन 1.5 से 2 चम्मच हम इसके अंदर ये फिलिंग जो है सत्तू की वो ऐड करेंगे और इस तरीके से हाथों से इकट्ठा करते हुए हम इसको पूरा हाथ से पैक कर देंगे और रख देंगे। इस तरीके से आप देखें कि मैं सारी लिट्टी रेडी कर लूँगी, लोया लूँगी रोटी जितना और उसको पूरी जितना बेलूँगी और उसके अंदर करीबन 1.5 से 2 चम्मच में सत्तू की फिलिंग डालूँगी और इस तरीके से हाथ में लेके मैं उसको पैक कर दूँगी। इस तरीके से आप गोल बॉल बना लीजिए। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सारे लिट्टी रेडी कर ली है। लिट्टी को अब हम बेक करेंगे 200 डिग्री के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए। जिस तरीके से बाटी आप बेक करते हैं वैसे ही हम लिट्टी बेक करेंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद में लिट्टी मेरी एकदम रेडी हो चुकी है। आप देखेंगे चारों तरफ से अच्छे से ये पूरी गोलाई में सिक चुकी है, एकदम क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसको घी में डाल के रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कंटेनर में गरम घी ले लिया है और इस तरीके से मैं सारी लिट्टी को टिप करते हुए प्लेट में निकाल लूँगी। लिट्टी बाहर से जितनी ही क्रिस्पी अंदर से उतनी ही सॉफ्ट होती है। इसके अंदर जो सत्तू की स्टफिंग है वो स्टफिंग भी अच्छी तरीके से पूरी सिक जाती है। लिट्टी को बैंगन के चोखे के साथ में, टमाटर के चोखे के साथ में खाया जाता है। गरम गरम लिट्टी को आप बैंगन के चोखे के साथ, टमाटर के चोखे के साथ में ज़रूर सर्व करिए। ये बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सबके साथ में शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।